नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में इंडिया गेट पर 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक सरस आजीविका मेला लगाया गया था। इंडिया गेट पर हर वर्ष की भांति भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों के लघु उद्योगियों को भाग लेकर शामिल कर ग्रामीण भारत की शिल्पकारों की भारी भीड़ और दिल्ली वासियों ने विभिन्न तरह के लोगों ने दिवाली के त्यौहार के लिए जमकर खरीदारी किए और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का लुत्फ लेते हुए दिल्लीवासी। आगे एक रिपोर्ट देखिए इंडिया गेट से। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इस तरह का आयोजन करना मेलों का प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के हर देश से या हर प्रांत से लोग जो है हर गांव में जा सके। ये एक तरह से सारे गांव दिल्ली में इकट्ठे हो गए हैं, तो हर क्षेत्र का एक अलग अलग जो विशेषता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि हर जगह पर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाया गया है, जिसकी आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जगह जगह पानी के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें आप पानी भी भर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है अपने साथ प्लास्टिक की बोतलों को लाना पड़े। खैर, मैं तो अपने साथ हमेशा एक बोतल कैरी करके रखती हूँ, चाहे वो शीशे के लिए आती है। और अच्छा लग रहा है सब देख के, बढ़िया है। थैंक यू जी। हमारे साथ कई ऐसे लोग, जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कार्य चल रहा है और आज जो है भारत सरकार जी, क्या नाम है जी आपका? इकरा जी। इकरा जी, आप बताइए, जिस तरह से 10 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक यहाँ मेला लगाया गया था सरस जीविका, इसके लिए आपने क्या सीखा है? और क्या आप पहली बार आई हो या हमेशा आप आती हो? सर, मैं यहाँ हमेशा आती हूँ। और यहाँ फूड कोर्ट में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि इंडिया ऑन योर प्लेट, जिसका स्लोगन ही यही है। मतलब प्लेट में आपके पूरे राज्य के यहाँ पे खाने हैं। नॉन वेज लें या वेज लें, जिसको वेज चाहिए वो वेज ले सकता है। इतनी सारी वेराइटीज़ हैं वेज में भी, क्योंकि नॉन वेज में अक्सर ज़्यादा वेराइटीज़ देखी जाती है। यहाँ पे वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा है। और राजस्थान फूड हो या पंजाब हो, आसाम हो, टी ले लो आप या खाने में ले लो, हर तरीके की बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। जी, आपको क्या अच्छा लगता है सबसे अच्छा? जो आपने इतनी सारी वैरायटी आपने गिनाई हो और देखी भी होंगी, तो कौन सा व्यंजन आपको बहुत अच्छा लगता है? सर, ये कह पाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्टली बनाई गई है। और इतनी हाइजीन, यहाँ सफाई का ख्याल रखा गया है कि आसानी से खाया जा सकता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। और बैम्बू राइस की ये सबसे स्पेशल मुझे लगती है, जो सबसे यूनिक आइटम है, बैम्बू के जो राइस होते हैं उसकी खीर। जी, आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सा व्यंजन होता है जो आप बता? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।